नमस्कार आपका सबसे बड़ा शत्रु और आपका सबसे बड़ा मित्र कौन है पता है आपको भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा शत्रु और सबसे बड़ा मित्र यह है अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपकी लाइफ में आपके साथ सबसे बड़ा शत्रु और सबसे बड़ा मित्र कौन है सबसे बड़ा शत्रु है आप कि बुरी आदतें और आपके साथ रहने वाले बुरे लोग भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान कभी किसी दूसरों से नहीं हारता है अगर वह हारता है तो अपनी बुरी आदतों से और अपने आस पास के बुरे लोगों से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दुर्योधन के अंदर बुरी आदतें थी और वो बुरे लोगों से गिरा हुआ था दुर्योधन के अंदर क्या था घमंड था किस बात का घमंड था कि मेरे पास इतने बड़े बड़े योद्धा हैं गुरु द्रोणाचार्य कृपाचार्य और कर्ण जैसे महान योद्धा और अश्वत्मा जैसा महान योद्धा मेरे पास है तो मुझे कौन इस संसार में हरा सकता था यह घमंड दुर्योधन को था और यही घमंड दुर्योधन को ले डूगा और दुर्योधन अपने आसपास बुरे लोगों से गिरा हुआ था सबसे बड़े बुरा लोग तो उसका मामा शकुनी था और फिर दुशासन कर्ण ये सब बुरे लोगों से दुर्योधन गिरा हुआ था तो दुर्योधन अपने आप को ऊपर कैसे उठाएगा उसके अंदर तो बुरी आदत थी और बुरे लोगों से गिरा हुआ था भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी बुरी आदतों को खत्म कर दो और जो बुरे लोग आपके साथ रहते हैं उनका साथ छोड़ दो आपको दुनिया में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। आप जो मनचाही चीज हासिल करना चाहते हैं वो कर सकते हो बस अपनी बुरी आदतों को कंट्रोल कर लेना अपनी बुरी आदतों को छोड़ देना और बुरे लोगों को छोड़ देना आपने जो लक्ष्य अपनी लाइफ में पाया है ना वो पालोगे अगर आप ये कर लोगे अगर आप अपने अंदर के शत्रु को खत्म कर दोगे तो। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में कि आपका सबसे बड़ा मित्र कौन है पता है आपको आपका सबसे बड़ा मित्र है आपका आत्मविश्वास आपका सब साथ छोड़ देंगे लेकिन अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है कॉन्फिडेंस है सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना तो यह आपका सबसे बड़ा मित्र है और यह हर वक्त चौबीस घंटे आपके साथ रहता है कोई भी मित्र कोई भी सखा कोई भी साथी कोई भी दोस्त कोई भी रिश्तेदार आपकी पत्नी आपके बच्चे कोई भी चौबीस घंटे आपके साथ नहीं रहते हैं सोचना सिर्फ आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस सिर्फ आपका आत्मविश्वास आपके साथ चौबीस घंटे रहता है यह आपका सबसे बड़ा मित्र है और यह आपसे वो करवा जाता है ना कि आप देखते रह जाते भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन का पास सब कुछ था लेकिन जब वो युद्ध में गया तो उस वक्त उसका आत्मविश्वास उस खत्म हो गया था उसने अपने तीर धनुष अपने सभी संबंधियों के सामने डाल दिए थे और भगवान श्री कृष्ण के सामने कहा कि हे प्रभु मैं युद्ध नहीं लड़ सकता क्यों नहीं लड़ सकता था अर्जुन क्यों क्योंकि उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी हो गई वो अपने सामने सगे सग, सगे संबंधियों को देखकर डर गया था कि मैं इनको कैसे मारू उसका आत्मविश्वास खत्म हो चुका था तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मविश्वास से भरा और फिर अर्जुन वापस युद्ध के लिए तैयार हुआ और अर्जुन ने महाभारत का युद्ध जीता तो कैसे जीता आत्मविश्वास से जीता तो आत्मविश्वास आपका सबसे बड़ा मित्र है तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपका सबसे बड़ा शत्रु आपकी बुरी आदतें हैं और आपके आसपास बुरे लोग हैं जो आपको आपके लक्ष्य से भटकाते हैं और आपका सबसे बड़ा मित्र आपका आत्मविश्वास है